फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो एक करोड़ तक हर दिन. ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट. जीतो 20x मोर ऑन एवरी कॉन्टेस्ट. विनिंग डन राइट ओनली ऑन फैन फाइट. दोस्तों, चौथी T20 मुकाबले में इंग्लैंड को रोंदने के लिए विराट कोहली ने अचानक से किए बड़े बदलाव. सूर्य कुमार यादव सहित चार मेहनती खिलाड़ियों की हुई वापसी. स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आज खेला जाएगा. जी हाँ दोस्तों, थोड़ी ही देर में यह मुकाबला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड को रोंदने के लिए टीम इंडिया में अचानक से विराट कोहली ने बड़े बदलाव किए हैं. सूर्य कुमार यादव सहित चार मेहनती खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी हो गई है. दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो और चाहते हो कि चौथा T20 मुकाबला टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें. दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों, तीसरे T20 मैच में हमने भारतीय टीम को डूबती नैया को देखा था. जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को उसी के होम ग्राउंड पर आकर बुरी तरह से हराया, अब चौथा T20 मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 18 मार्च यानी कि आज खेला जाने वाला है. यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका लाइव प्रसारण होगा. दोस्तों, सीरीज में अब तक इंग्लैंड की टीम भारत से 2-1 से आगे चल रही है. दोस्तों, इसके अलावा हैरत की बात तो यह है कि अगर टीम इंडिया चौथा T20 मैच जीतने में नाकामयाब हुई तो इंग्लैंड की टीम इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेगी. ऐसे में विराट सेना को अपना पूरा दमखम दिखाना होगा. वहीं पिछले T20 मैच में भारतीय टीम जिस तरह की बेकार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी थी और उस प्लेइंग 11 से कई दिग्गज खिलाड़ी नाराज हुए थे. विश्व कप से पहले भारतीय टीम के पास चंद T20 मैच बचे हैं, ऐसे में टीम इंडिया का यह प्रदर्शन बेहद ज्यादा निराशाजनक है. दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कप्तान विराट कोहली अपने खोए हुए फॉर्म से वापस लौट आए हैं और पिछले 2 मैचों में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, लेकिन भारतीय टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक फ्लॉप होते हुए दिख रही है. ऐसे में भारतीय टीम चौथे T20 मैच में बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरने वाली है. ऐसे में दोस्तों, यहां पर जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर टीम इंडिया उतरेगी. दोस्तों, चौथे T20 मैच में भारतीय टीम में 5 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की चौथे T20 मैच में एक बार फिर से एंट्री हो सकती है और इस बार इनके द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा भी देखने को मिल सकता है. वहीं भारतीय टीम से भुवनेश्वर कुमार की छुट्टी हो गई है. वहीं टीम इंडिया में एक विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी का डेब्यू करने का मौका भी मिल सकता है. वहीं दोस्तों, इसके बाद आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम में 2 नए तेज गेंदबाजों की एंट्री हो सकती है और इन बड़े बदलावों के साथ भारतीय टीम जीत हासिल करने में कामयाब हो सकती है. तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं चौथे T20 मैच में भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है. तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं. दोस्तों, भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाजी में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है. जी हां दोस्तों, टीम इंडिया में रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं. हालांकि रोहित शर्मा पिछले T20 मैच में कुछ खास अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सके थे, लेकिन T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा का बल्ला बेहद ही ज्यादा बेहतरीन गुजरता है. दोस्तों, रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, तो वहीं पर इनके साथी खिलाड़ी ईशान किशन होंगे. ईशान किशन ने मौजूदा सीरीज में अपने डेब्यू मैच में बेहतरीन तरीके से अर्धशतक लगाया था, हालांकि इसके बाद इन्हें ओपनिंग का मौका नहीं दिया गया है, जिसके बाद उनकी बल्लेबाजी फ्लॉप दिखी है. अब चौथे T20 मैच में रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं. दोस्तों, ऐसे में इस ओपनिंग जोड़ी को आप 10 में से कितने अंक दोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. वहीं दोस्तों, नंबर 3 पर भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली मौजूद होंगे. विराट कोहली ने दूसरे T20 मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 रनों की पारी खेली थी और इसके बाद तीसरे T20 मैच में भी विराट कोहली के बल्ले से 77 रन निकले थे. मौजूदा सीरीज में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. अब बाकी के बचे मैचों में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी. वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा. सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मैच में भारत की तरफ से अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन इन्हें इस मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया था. इसके बावजूद इन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 से तीसरे T20 मैच से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब चौथे T20 मैच में एक बार फिर से सूर्या को
वापस किया जा सकता है और इन्हें नंबर चार पर खिलाकर भारतीय टीम की मध्यक्रम बल्लेबाजी को मजबूत बन सकती है। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर पांच पर भारतीय टीम में विस्फोटक युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मौजूद होंगे। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ लंबे समय से भारतीय टीम के मध्यक्रम बल्लेबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और पहले T20 मैच में भी इनसे अर्धशतक देखने को मिला था। इससे पहले IPL में भी श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से जमकर रन बटोरे थे और अब चौथी T20 मैच में एक बार फिर से इनसे वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर छह पर भारतीय टीम में ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मौजूद होंगे। हालांकि ऋषभ पंत की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से तो नहीं की जा सकती है, लेकिन इस स्थान पर खेलते हुए ऋषभ पंत फिनिशर की भूमिका निभाते हुए कई बार नजर आ चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी इन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को पिछले दो सीरीज में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में चौथे T20 मैच में इन्हें निचले क्रम बल्लेबाजी में चुना जा सकता है। वहीं दोस्तों नंबर सात पर भारतीय टीम में विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या मौजूद होंगे। हार्दिक पांड्या ने अपने पिछले चार सालों के क्रिकेट करियर में काफी ज्यादा नाम कमाया है। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना भरपूर योगदान देते हैं और T20 विश्व कप के नजरिए से इस सीरीज में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन बेहतरीन होने वाला है और ऐसे में दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या इस सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि चौथे T20 मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करे। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर आठ पर भारतीय टीम में विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी राहुल तेवाटिया मौजूद होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि IPL 2020 में इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से 255 रन बनाए थे और इसी के साथ राहुल तेवाटिया ने अपने गेंदबाजी से 10 विकेट हासिल किए थे। ऐसे में चौथे T20 मैच में भारतीय टीम में शामिल करके गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में मजबूती प्रदान किया जा सकता है। वहीं दोस्तों नंबर नौ पर भारतीय टीम में राहुल चहर मौजूद होंगे। वहीं युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। मौजूदा सीरीज में युजवेंद्र चहल के द्वारा कुछ खास अच्छी गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है। वहीं राहुल चहर ने IPL 2020 में अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया था और उन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। वहीं दोस्तों नंबर 10 पर भारतीय टीम में टी नटराजन की एंट्री हो सकती है। पिछले तीन मैचों में भुवनेश्वर कुमार ने स्थान पर खेलते हुए मात्र एक विकेट हासिल कर सके हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, तेज गेंदबाज खास तौर पर फेवर करते हैं। इसके बावजूद भी भुवनेश्वर कुमार का अच्छा प्रदर्शन करने में नाकामयाब साबित हुए हैं। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार की जगह टी नटराजन को भारतीय टीम में शामिल किए जाने की काफी ज्यादा आशंका है। दोस्तों टी नटराजन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में सबसे अधिक विकेट हासिल किए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम में नंबर 11 पर नवदीप सैनी मौजूद होंगे। दोस्तों इस स्थान पर खेलते हुए शार्दुल ठाकुर ने पिछले तीन मैचों में कुछ खास अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा है और अब चौथे T20 मैच में जीत हासिल करने के लिए भारतीय टीम को अच्छी तेज गेंदबाजों की जरूरत होगी। ऐसे में टीम इंडिया में नवदीप सैनी की एंट्री होना यह फैसला गलत नहीं होगा। दोस्तों नवदीप सैनी विराट कोहली के चहेते गेंदबाज माने जाते हैं और विश्व कप से पहले इन्हें भारतीय टीम में शामिल करके इन्हें परखा जा सकता है। दोस्तों कुछ इस तरह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों इसे में आपको क्या लगता है, चौथा T20 मुकाबला क्या टीम इंडिया जीत पाएगी, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो 1 करोड़ तक हर दिन। ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। जीतो 20x मोर ऑन एवरी कॉन्टेस्ट। विनिंग डन राइट ओनली ऑन फैन फाइट।